चीन ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, इसीलिए अब दुनिया ड्रैगन के सभी पापों का हिसाब करने के लिए एकजुट हो रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, ताइवान और भारत के निशाने पर तो पहले से ही चीन था, लेकिन अब केन्या ने चीन को ऐसा झटका दिया है कि वो चारों खाने चित हो गया है। चीन की जमीन हड़पने वाली नीति को ध्यान में रखकर अब केन्या ने भी उसके अरबों डॉलर वाले एक रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। यानी अब चीन बुरी तरह से फंस गया है और भारत के साथ भिड़ने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि केन्या की अदालत ने चीन द्वारा केन्या से चलाए जा रहे इस रेल प्रोजेक्ट को न सिर्फ इसे गैर कानूनी पाया है, बल्कि चीन की कंपनियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। केन्याई अपीलीय अदालत ने केन्या और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन यानी CRBC के बीच रेल अनुबंध को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि चीनी कंपनियों ने रसूख और पैसे का इस्तेमाल कर केन्या के कानूनों का उल्लंघन किया है। रेलवे एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें सभी परियोजनाओं से जुड़ी खरीद प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इस परियोजना में किसी भी बिड को जारी किए बिना एक चीनी कंपनी को सीधे तौर पर अनुबंध सौंप दिया गया, जो कि गलत है। चालबाज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने चाइना अफ्रीका समिट के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत केन्या के साथ एक स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन बिछाने का समझौता भी किया था, लेकिन अब जिनपिंग को केन्या की अदालत ने झन्नाटेदार झटका दे दिया है। केन्या के साथ चीन ने रेलवे लाइन को लेकर साल 2017 में समझौता किया था, जिसके तहत चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन केन्या में अरबों डॉलर की लागत से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा था। केन्या ने इसके लिए एक्सिम बैंक ऑफ चाइना से $3.2 बिलियन का कर्ज लिया है, लेकिन उस वक्त चीन की चाल को केन्या नहीं समझ पाया था, और जैसे ही केन्या को समझ में आया वैसे ही उसने चीन को हाई वोल्टेज का झटका दे दिया। फिलहाल मौजूदा वक्त में चीन का हाल बेहाल है, और अगर भारत के साथ चीन के विवाद की बात करें तो चीन ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। पीछे हटने में उसकी हार है और आगे बढ़ने पर भारत की मार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।